90 के दौर में आए ऐतिहासिक शो रामायण और महाभारत से जुड़े कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक पारी भी खेली। जी हाँ, पॉपुलैरिटी के पैमाने पर हिट रहे ये सितारे चुनाव लड़े भी और जीते भी। इन एक्टर्स को दरअसल लोगों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन सालों बाद कुछ सितारों को राजनीति के दाव पेच ज्यादा रास नहीं आए, जिसके चलते टीवी वर्ल्ड के इन बड़े एक्टर्स ने राजनीति को अलविदा कह दिया। तो आइए रामायण और महाभारत के उन्हीं सितारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। नंबर एक, दीपिका चिखलिया। रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभा चुकी दीपिका चिखलिया को शो ने घर घर में पॉपुलर बनाया। दीपिका ने 1991 में बीजेपी के टिकट पर बड़ौदा से चुनाव जीता, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी। इसकी वजह बताते हुए दीपिका ने कहा था, मुझे हमेशा अपने चुनावी क्षेत्र जाना पड़ता था, तब मेरी नई नई शादी हुई थी, ये सब कर मैं खुश नहीं थी, मेरे लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था, इसीलिए मैंने फिल्म छोड़ दी और फिर बेटी के जन्म के बाद मैंने राजनीति छोड़ दी। नंबर दो, नीतीश भारद्वाज। बीआर चोपड़ा की महाभारत में कृष्ण का रोल कर फेमस हुए नीतीश भारद्वाज ने भी राजनीति में एंट्री ली। नीतीश ने बीजेपी के टिकट से 1996 से जमशेदपुर से चुनाव जीता। इसके बाद 1999 में वो लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। नंबर तीन, अरविंद त्रिवेदी। रामानंद सागर की रामायण में ही रावण का रोल निभाकर फेमस हुए एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने 1991 में बीजेपी के टिकट पर साबरकांठा से चुनाव जीता। उन्होंने 1996 तक कार्यकाल संभाला, लेकिन अब वो राजनीति से दूर हैं। नंबर चार, अरुण गोविल। जी हाँ, राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी कई बार राजनीति में आने के ऑफर्स मिले, लेकिन उन्हें राजनीति कभी रास नहीं आई, इसीलिए उन्होंने इन ऑफर्स को कभी नहीं स्वीकारा।